हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंसारी मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हाफिज़ बिलाल यूट्यूब चैनल। तो भाई आज कोई व्लॉग नहीं बनने वाला, बल्कि आज बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर देने वाला हूँ आपको मैं कि शहाब भाई को इस वक्त आज कौन नहीं जानता होगा। वही शहाब भाई जो केरला से मक्का पैदल हज के लिए निकले हैं। तो शहाब भाई केरला से वाघा बॉर्डर तक 123 दिन के अंदर 3000 किलोमीटर तो कवर कर लिए थे, लेकिन अब शहाब भाई को पाकिस्तान धोखा दे रहा है। और अभी मालूम पड़ा कि शहाब भाई को पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया था, इसकी वजह से शहाब भाई पाकिस्तान के अंदर एंटर भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप यूट्यूब पर तो बहुत वीडियो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान शहाब भाई का स्वागत कर रहा है और शहाब भाई पाकिस्तान पहुँच गए। तो भाई ये सब गलत है, अभी शहाब भाई इंडिया में वाघा बॉर्डर पर है और शहाब भाई अभी पाकिस्तान एंटर भी नहीं किए हैं। तो मौलाना ने बयान किया और आप मौलाना का बयान सुनिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया, ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं।